पुतिन ने दिया न्यूक्लियर ट्रायड को अलर्ट रहने का निर्देश, यानी जल थल नभ कहीं से भी परमाणु अटैक किया जा सकता है, न्यूक्लियर ट्रायड जिसको कहते हैं। पुतिन ने रूस की परमाणु फोर्स को भी तैयार रहने को कहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। आइए बिग वॉल पर चलते हैं। विनाश लीला, अणु अटैक का ट्रिगर क्यों हम ये कह रहे हैं, क्यों हम ये कह रहे हैं कि कोई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? पुतिन का घातक प्लान आपको बताते हैं, पुतिन क्या करने वाले हैं। जरा बिग वॉल पर लेकर आते हैं पीसीआर, दिखाते हैं क्या पुतिन कर सकते हैं। पुतिन का घातक प्लान, अमेरिका पर परमाणु हमला, लेकिन पूरा गणित क्या है, आइए आपको ये पूरा गणित दिखाते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय को आशंका है, क्या आशंका है जरा देखिए। बिगड़ती छवि से अमेरिका बौखला गया है, अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में इस वॉर की वजह से डेंट हुई है। बौखलाहट में रूस पर कन्वेंशनल हमला करेगा, यानी परंपरागत कोई अटैक करेगा यहां पर रूस पर अमेरिका। फिर रूस के 65 से 70% जो परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स, उनको तबाह कर देगा। उसके बाद रूसी वेपन नष्ट होने के बाद अमेरिका एटमी हमला करेगा। तो क्या इसी से बचने के लिए अपने डिफेंस में पहले ही रूस अमेरिका पर अटैक कर देगा? क्या यह पुतिन का घातक प्लान है? क्योंकि अपने न्यूक्लियर ट्रायड को तो उन्होंने तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। मनीष, यह क्या मामला, जल्दी से बताइए जरा। अच्छा मनीष नहीं है, चलिए कुछ जानकारी और दे देते हैं। मनीष से संपर्क कट गया, लेकिन फिर से आप चलेंगे अपने पैनलिस्ट के पास। पहले इस पर और जानकारी देख लीजिए, क्या है रूस क्या करेगा। अमेरिकी चाल से बचने का ये रूस का प्लान है। उसके बाद अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही वो निष्क्रिय कर देगा। उसके बाद क्या कर सकता है रूस, फिर परमाणु बम से हमला करेगा रूस। और उसके बाद क्या होगा, ताकि अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान ना हो, और इसके अलावा जीवन भर अमेरिका इस त्रासदी से उबर ना पाए। एवीएम श्रीवास्तव, आपको कितना लॉजिकल लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या आपके क्या विचार है इस बारे में? गौरव, एक चीज तो हमेशा कही जाती है कि फियर इज द डिसरप्टर। अगर मन में ये देश, किसी के देश में भय हो कि इससे मेरी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आएगा, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आएगी। अगर आप यूक्रेन वॉर को भी देखते हैं, इसमें खास बात क्या रही है, रशिया ने ये कोट किया कि अगर नाटो में सम्मिलित होता है यूक्रेन तो उसकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शुरू होती है। इसलिए इस गणित के हिसाब से ये अटैक हुआ। आप ये जो गणित बता रहे हैं, इसके लिए दोनों देश तैयार हो गए हैं, ये तो हम सबको पता है। बहुत क्या दोनों देश परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो गए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, तैयार ये हैं कि अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो ये होगा। और ये बहुत पहले कहा भी जा चुका है, कैनेडी ने खुद कहा था। परमाणु हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता? परमाणु हमले की संभावना से इनकार नहीं किया सर, लेकिन अभी वो संभावना बनती दिखती नहीं है। ठीक है, मैं जनरल सिन्हा को इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं। जनरल सिन्हा, आपका क्या मानना है इस पर, क्या वाकई अमेरिका रूस पर कोई कन्वेंशनल हमला करेगा, गिवन कि यहां पर ऑलरेडी यूक्रेन को वो एक, क्योंकि उस पर ही आरोप लग रहा है कि यूक्रेन को वो अपने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है रूस से अपने स्कोर सेट करने के लिए? देखिए, ये तो आप मान के चलिए कि अमेरिका का प्रॉक्सी वॉर तो रशिया के साथ ऑलरेडी अनलिस्ट है जी। केवल ये कहना कि देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो आपने देखा होगा, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 के ऊपर में, उसके ऊपर में तो खुल के आ गया, और इसकी जो खुलासा हुआ है, और वो ऐसा नहीं, वो वियतनाम के अंदर में वो जर्नलिस्ट थे और वो प्राइज विनर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा इन्होंने किया नॉर्वे के साथ मिलकर, तो वो अनलिस्ट तो हो ही चुका है, उसको हम माने या ना माने। और रशिया जानता है, देखिए ये ऑपरेशन बाय स्ट्रेटेजिक डिटरेंस फोर्स का एक थ्योरी है, जो कि अभी आप इस मैगजीन में आप पढ़ रहे हैं कि यूज द न्यूक्लियर आर्म्स टू फेंड यूएस अटैक्स, ये रशिया का, और ये रशिया ने उस समय किया था जब क्यूबन क्राइसिस हुई थी 1962 में okay. और उसका कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं प्रत्यारोपण। अभी आप देखिए पूरे अटलांटिक के ऊपर में, जो अटलांटिक है उसके अंदर में उसके न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉयड है, वो कहता है बोथ ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट करेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि अफ्रीकन पेनिनसुला के टिप में, जो साउथ अफ्रीका के साथ जो इनकी और चाइना और इसकी जो एक्साइज हुई है, वो समथिंग इज दैट सेम क्यूबन पेनिनसुला के ऊपर में, जो कि 90 किलोमीटर पे, ये थोड़ा दूर है। तो ये जो घेराबंदी है, और ये जो कहते हैं ना एक ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक डिटरेंस फोर्स का जो इस्तेमाल करेगा रशिया के अंदर में, पुतिन का भी ये मानना लगे हैं उनके कि अपने स्ट्रेटेजिक वेपन को डिप्लॉय, अभी तक डिप्लॉय भी नहीं हुआ है, न्यूक्लियर एसेट डिप्लॉय नहीं हुआ है रशिया का, तो वो चाहते हैं कि इसको डिप्लॉय करें, और ये नहीं कि हम न्यूक्लियर वॉर में सीधा जाएंगे नहीं, लेकिन तो लेकिन लेकिन अगर वो ये डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं सर, एक छोटा सा जवाब, तो क्या उनको डर है कि अमेरिका से कुछ हो सकता है इसलिए डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, या वो अपनी सुरक्षा में ऑलरेडी वो एक उनका एक कह सकते हैं प्रोएक्टिव कोई कदम है? देखिए अमेरिका कंटेन करना चाहता है, और कंटेनमेंट में जैसे लगेगा कि कंटेन हो रहा है अमेरिका कुछ ना कुछ ऑफेंसिव करेगा रशिया के, या आप लेके चलिए, और या तो
केवल ये नहीं है, फॉर इससे भी उनकी संभावना है, आर्टिक के रीजन से भी संभावना है, दैट्स व्हाई नॉर्वे फ्रंट है। एक्चुअली हम पूरे बात में छोटे टैक्टिकल चीजें को मैं फंस जाते हैं। स्ट्रेटेजिकली आप देखेंगे जो घेराबंदी कर रहा है ये, तो उसका हिस्सा है, और एब्सोल्युटली दैट्स व्हाई वो लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से रशिया को नहीं छोड़ना, उसकी कंटेन करनी है। ठीक है, और इसीलिए वो केवल यूक्रेन को नहीं, आप यूक्रेन के आसपास जो देश हैं उनको भी देखिए तो समझ में आएगा कि अमेरिका की क्या यहाँ पर प्लानिंग है।